बागपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मामला जिले के दौघाट थाना क्षेत्र के दाहा गांव का है, जहां शराब के नशे में भाई ने अपने ही भाई को गोली मार दी। आपको बता दें कि तीर्थपाल के दो बेटे परविंदर और रविंद्र आसपास रहते थे। देर रात में रविंद्र ने शराब के नशे में परविंदर के घर जाकर गाली गलौज करनी शुरू कर दी, जिसका विरोध करने पर शराब के नशे में चूर रविंद्र ने तमंचे से अपने भाई परविंदर को गोली मारकर मौके से फरार हो गया। गोली लगने से परविंदर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल हो गया। दो भाई थे जिनका पास पास में घर था, एक ही घर है लेकिन पास पास में रहते थे। एक भाई रात में आया और शराब पी के नशे में कोई गाली गलौज करने लगा। दूसरा भाई उसको मना किया, इसमें आपस में कहासुनी हुई। कहासुनी में एक भाई ने तमंचे से फायर कर दिया, जिसको उसके सीने में गोली लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी। पुलिस गई, मौके से उसकी डेड बॉडी हटवा करके मोर्चरी भिजवा दिया है। उसकी मृतक के पत्नी से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, पंजीकृत हो गया है और अभियुक्त की तलाश ली जा रही है। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी भाई की तलाश में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।